हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पाश्चात्य दार्शनिक थॉमस हिल ग्रीन के बारे में। थॉमस ग्रीन जो एक आदर्शवादी विचारक होने के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विचारक थॉमस हिल ग्रीन, इनका जो जन्म हुआ था वह 1836 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1882 ईस्वी में और जन्म स्थान इंग्लैंड में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दार्शनिकों के जन्म से लेकर के मृत्यु से लेकर के, यहाँ आपको जरूर पुटअप करना चाहिए। ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है पूरा अपने आप में क्वेश्चन बैंक है। अब इसका एक एक हम पॉइंट अध्ययन करते हैं। देखिए, इनका जन्म जो 1836 ईस्वी में हुआ था और स्थान था इंग्लैंड, इनकी मृत्यु हो गई थी 1882 ईस्वी में। थॉमस हिल ग्रीन जो कि नैतिकता पर बल देने वाले प्रथम विचारक, जिन्होंने ये माना था कि व्यक्ति जो है वह अपने कर्मों के आधार पर ही सुख प्राप्त करता है, और उनको महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देखेंगे सबसे बड़ा चीज है कि उन्होंने मद्यपान शराब निषेधक था, यानी कि उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति को हम स्वतंत्र कैसे मान लें। जो व्यक्ति प्रतिदिन घर में आकर परिवार में आकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है समाज पर पड़ता है। तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को नकार दिया, कहा कि ये स्वतंत्रता उसकी सही स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने मद्य शराब निषेध किया था, उसका प्रबल समर्थक था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को शराब या मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में है, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को न मानने वाला पाश्चात्य दार्शनिक कौन है? थॉमस हिल ग्रीन। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश आदर्शवाद का समर्थक कौन था? तो महोदय थॉमस हिल ग्रीन थे। ग्रीन की स्वतंत्रता रूसो और हीगल के विचारों से प्रभावित है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन के जो है वह किससे प्रभावित है, तो जो ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वो रूसो और हीगल से क्या है, प्रभावित मानी जाती है। शाश्वत चैतन्य की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला थॉमस हिल ग्रीन, और स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने कहा था स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, सामाजिक कल्याण का विकास हो और समाज का विकास हो, ऐसे को उन्होंने कहा था स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता उन्होंने कहा था। अंत में उन्होंने कहा था कि दंड की जो भावना है वो तीन प्रकार के देखी जाती है। पहला था प्रतिशोधात्मक, दूसरा है निवारक, तीसरा है सुधार। और एक चीज जान जाइए दोस्तों, इन तीनों दंड के जो सिद्धांत है तीनों को थॉमस हिल ग्रीन ने क्या किया था, नकार दिया था। कहा कि ऐसा जो है दंड व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। प्रतिशोधात्मक का मतलब होता है कि बदले की भावना, मींस आप सुने होंगे आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा जो है दंड भावना नहीं होना चाहिए। और दूसरा है निवारक। निवारक का मतलब होता है कि जब किसी को कोई दंड दिया जाता है तो इस उद्देश्य से दंड दिया जाता है कि उसको देख करके दूसरे लोग क्या हो, प्रभावित हो, और ये काम करने को सोचे कि उस व्यक्ति को अगर ऐसा दंड मिला है, अगर मैं भी ऐसा काम करता हूं तो मुझे भी ऐसा दंड क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसलिए उन्होंने एक निवारक, इसको भी उन्होंने सही नहीं माना। तीसरा है सुधार। सुधार का मतलब होता है कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों के आधार पर उसको में क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी या कुछ ऐसा उसके अंदर कही जाए, उसके बात को चाहे उसके मन विचार को क्या किया जाए, बदल दिया जाए, यह होता है आपका सुधार सिद्धांत, आपका आता है यह निवारक में। और देखिए तीन प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार के, प्रतिशोधात्मक, निवारक, सुधार। इसमें है बदला आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, इसको भी उन्होंने नकार दिया। मीन्स तीनों जो सिद्धांत है, तीनों सिद्धांतों को उन्होंने क्या किया था, नकार दिया था। कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का समाज में अगर हम सोचें कि इस तरह से उसको हम बदलाव ला सकते हैं तो नहीं ला सकते हैं। और एक ये जान जाइए सकारात्मक उदारवाद, ये ग्रीन थे। सकारात्मक उदारवाद ग्रीन, और नकारात्मक उदारवाद पूछा, अगर आपसे पूछे कि नकारात्मक उदारवाद के जनक, तो मिल है। मिल ने और ग्रीन में दोनों में अंतर है। मिल ने क्या कहा था, अहस्तक्षेप, और इन्होंने कहा था हस्तक्षेप। मतलब किसी काम को करने के लिए अगर उस पर रोक लगाया जाए तो हस्तक्षेप के अंतर्गत आएगा।
और किसी काम को करने पर उसको रोक न लगाया जाए तो अहस्तक्षेप आएगा। तो अहस्तक्षेप में आते हैं मिल और हस्तक्षेप में आते हैं आपके फार्मस ग्रीन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो एक सामान्य परिचय, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको आप नोट्स बनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ टीजीटी में आपको 30 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे और यही आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक है सबका कोटेशन और एक सामान्य परिचय हम यहाँ से भेज रहे हैं, आप इसको नोट्स बनाइए अगर आप सफलता चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके जो है महत्वपूर्ण कथनों पर। इनके महत्वपूर्ण कथनों में है, सबसे पहले तो एक कीवर्ड जान जाइए, नैतिकता पर बल। अगर नैतिकता पर बल कहीं पर भी अगर आपको ऐसे देखने को मिले तो हो गया आपके थॉमस हिलग्रीन, जिसे कहा जाता है आदर्शवादी विचारक और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के प्रथम समर्थक ग्रीन। और अगर कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ता में आ जाए तो प्रवक्ता में आते हैं महोदय लास्की, लेकिन यहाँ पर है राज्य की अवधारणा के प्रथम समर्थक में आएंगे तो ग्रीन आएंगे। और इसी को कहा जाए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रवक्ता कौन था, तो लास्की महोदय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका महत्वपूर्ण कथनों में क्या है। महत्वपूर्ण कथन में है थॉमस हिलग्रीन के, ये जितने भी कोटेशन है सारे कोटेशन परीक्षा में आए हुए हैं, पेपर आप पिछले साल को उठा करके देख लीजिए, पिछले 10 साल को देख लीजिए, पहले क्या करता था आयोग, इसका समावेशन कम होता था, लेकिन अब जो है 30+ कर दिया, यानी कि 62 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन पिछले साल 2022 में जाकर देखिए यहीं से मिला हुआ है। अगर ये पोर्शन जिसका अगर बहुत अच्छा रहता है तो वह वाकई में जो है उस शिखर तक पहुंच जाता है जहां पर एक उत्तम का मिल जाता है, किसका, नौकरी का। तो नौकरी प्राप्त करनी है तो इससे जुड़िए। ये चीजें आपको हम एनसीईआरटी की किताबों से, कई किताबों से कलेक्शन करके हमने लाया हुआ है और आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये खोजने से आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपका काम खुद ही यहाँ पर कर दिया हूँ। सारी किताबों से जोड़ करके एनसीईआरटी किताबों से लेकर के हमने यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तैयारी अगर अच्छी है तो रिविजन में काम आएगा, अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो आने वाली परीक्षा जो 2023 का एग्जाम उसको बीट करना हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाइए और पिछले साल को पेपर मिलाइए, जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपको देखिए, उन्होंने कहा था कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है। राज्य के बारे में उन्होंने कहा था शक्ति ही नहीं बल्कि वरन इच्छा ही राज्य का क्या है, आधार है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। राज्य का कार्य होता है कि उनमें जो आती है बाधाएं उनको क्या करना है, बाधित करना, मतलब रोकना है ताकि उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति को उसका प्रभाव न पड़े, यह राज्य का उन्होंने कहा था। आगे है स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव है और न मान्य करने की छूट, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता वही तक सीमित है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता भंग न हो। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति छड़ी लेकर के घुमा रहा था रोड पर, ठीक है, और घुमाते घुमाते एक व्यक्ति के जाकर के नाक पर लग गया था। उन्होंने कहा था भाई तुम छड़ी को घुमाओ, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता के साथ किसी दूसरे की स्वतंत्रता भंग न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यही उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव है न मनमानी करने की छूट, यानी कि स्वतंत्रता आपको है लेकिन मनमानी करने की छूट आपको नहीं होनी चाहिए। आगे है स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य क्या है, सामाजिक कल्याण। स्वतंत्रता एक साधन है और साध्य सामाजिक कल्याण है। साधन क्या होते हैं, साध्य क्या होते हैं, साध्य साधन में डिफरेंट है। देखिए साध्य के लिए किया गया जो प्रयोग है, जो उसके लिए भौतिक दशाएं हैं या भौतिक चीजें हैं, उनको हम साधन कहेंगे, और साध्य जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। तो साध्य जो होता है हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और साध्य क्या है, सामाजिक कल्याण है, और साधन क्या है, तो साधन है स्वतंत्रता केवल एक क्या है, साधन है। स्वतंत्रता को उन्होंने साधन माना है और साध्य क्या है, सामाजिक कल्याण है। नेक्स्ट है मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के अधिकार राज्य में निहित होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो कोटेशन है, अगर भाव में निहित हो तो बारकर महोदय का है, और राज्य में निहित हो
तो आपका होगा थॉमस ग्रीन का। फिर से देख लीजिए, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, जो मानवीय चेतना है वो क्या चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। और स्वतंत्रता के अधिकार जो कहाँ है, राज्य में निहित है। स्वतंत्रता की अधिकार राज्य में निहित है तो ग्रीन हो जाएंगे, अगर भाव में निहित आएगा तो बारकर हो जाएंगे। यहाँ पर कोटेशनों को ध्यान दीजिएगा। अगला है, राज्य का वास्तविक आधार शक्ति ही नहीं, शक्ति ही हो सकता है। उन्होंने अगला क्वेश्चन कहा था कि राज्य का वास्तविक आधार क्या हो सकता है, शक्ति ही हो सकता है। यानी कि राज्य का जो आधार है वास्तविक, वो क्या, किसको माना, क्या माना है, शक्ति माना है। अगला है, राज्य का कार्य उन दशाओं के जन्म देना जिसमें नैतिकता का विकास हो। यानी राज्य का कार्य उन दशाओं को जन्म देना है जिनमें नैतिकता का विकास हो, यानी नैतिकता पर बल। हमने कहा था कि थॉमस हिल महोदय जो है नैतिकता पर बल देते हैं, मोरलिटी पर बल देते हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य का वही कार्य होना चाहिए जहां पर, किस पर बल दिया जाए, नैतिकता का विकास हो, व्यक्ति के अंदर जो है डिसिप्लिन का विकास हो। अगर व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन का विकास हो जाएगा तो वाकई में एक अच्छा मानव बन सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी कार्य के प्रति डिसिप्लिन नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो वह समाज के लिए सही नहीं हो सकता है। और एक पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं माना जा सकता। अगला है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका लक्ष्य समाज का हित साधन है। मनुष्य क्या है, एक नैतिक प्राणी है, इसका एक ही लक्ष्य है क्या, समाज का भला हो, समाज का विकास हो, अपना विकास हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो। तो क्या है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका लक्ष्य है समाज का हित साधन है, यानी समाज के लिए ही व्यक्ति होता है। अगला है, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। ये भी कोटेशन बार बार पूछा गया है। और आगे है, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास हेतु बाह्य परिस्थितियां हैं। यानी कि मनुष्य के आंतरिक विकास हेतु अधिकार क्या है, बाह्य प्रक्रिया है। यानी आपको अधिकार मिला है, तो अधिकार मिला है तो उसका क्या करेंगे, अधिकार मिला है तो उसको पॉजिटिव वे में जाइए, सकारात्मक में जाइए, ताकि आपका विकास हो, समाज का विकास हो, सबका विकास हो। तो सबका विकास के लिए ही कहा गया है कि अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास हेतु बाह्य परिस्थितियां हैं। ये बाहरी परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल के लिए क्या है, इंटरनल का क्या हो, विकास हो। तो बाहरी परिस्थितियां अधिकार होती हैं, और जो आपके आंतरिक विकास के लिए होनी चाहिए। तो ये आपका थॉमस हिल ग्रीन महोदय का ये कोटेशन था, और यह आपका क्या है, उनकी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है दोस्तों, आपसे वादा करता हूं, हमने जितने भी पाश्चात्य दार्शनिकों के कोटेशन यहाँ पर डाले हुए हैं, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको और देखना है, जैसे हाफ, लार्क्स, रूसो, अरस्तू, ये सभी लोगों का हम जो है प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वहां से मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी बेहतर करिए, आज ही से लग जाइए, और हमारे चैनल यूट्यूब इंडिया TNV 0.2 को फॉलो करिए। वहां पर सारी सुविधाएं आपको TGT PGT संबंधी जो एग्जाम में सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ से हम आपको एक अच्छा अच्छा कांटेक्ट वीडियो आपसे वहां से मिलते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा, किसी भी यूट्यूब पर आप नहीं देखे होंगे। यहाँ आपको मिलेगा एक तरफ सामान्य पर्चे के साथ महत्वपूर्ण बिंदु, और एक तरफ आपको मिलेंगे उनके संपूर्ण कोटेशन। छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको समय भी नहीं लगेगा। आप चाहेंगे तो इसको नोट्स बनाइए, अभी से तैयार करिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो परीक्षा में बीट करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो पर बने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो आपको डालो तो आप तक ले आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक अगले पाश्चात्य दार्शनिक के लिए। तब तक ले देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया Academy 0.2। धन्यवाद।